हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं, जो हमारी इस साइंस के बुक एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन में हम बात करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स और रेंसिडिटी की। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ये जब पानी के साथ मिलाया गया तो इससे स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा हुआ एक्वस फॉर्म में, क्योंकि पानी के अंदर पैदा हुआ है, और इसके साथ हीट भी रिलीज हुई। तो दूसरी बात जो है इसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखोगे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि गैस के फॉर्म में होती है, कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो होता है, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और वाटर जो लिक्विड स्टेट में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सोडियम मेटल जब बर्न किया जाता है क्लोरीन में, यानी क्लोरीन गैस की मौजूदगी में इसको बर्न करवाया जाता है, तो हमें मिल जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ये मैंने बताया, ठीक है। उसकी दूसरी जो बाकी एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड पैदा होता है, और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और ये गैसेस स्टेट में है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाती है गैसेस स्टेट में, है ना। और अमोनिया NH3 जो है, ये अमोनिया है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप याद रखो, ठीक है। NH3 अमोनिया को कहते हैं, जो कि गैसेस स्टेट में है। जब ये HCl जो कि गैसेस स्टेट में है इसके साथ कंबाइन करती है तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। और अगर हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाती है गैसेस स्टेट में। तो आपने देखा ये सारी बातें जो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिगार्डिंग थी। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने इसको समझा, और बाकायदा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सारी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ में जा सकते हो, जिसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।